अभी हमारी मुखी कहानी में एक हैप्पी एंडिंग आने ही वाली थी कि एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। अब मुंह तो ठहरी हमारी स्टोरी की हीरो, पर इससे पहले कि हम आपको इस स्टोरी के विलन से मिलवाएं, एक रिकैप हो जाए। मुंह की कहानी किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है, फिर चाहे अपने घाव के साथ पीपल फार्म आना हो। किसी ने इंटेंशनली केमिकल डाला इसके ऊपर, हो सकता या रिकवरी के दौरान एक नई चोट का लगना हो कि कुछ तो या तो अंदर घुस गया है, इसे बहुत पेन बहुत ज्यादा है, हमें दिख नहीं रहा है इतना ज्यादा, बट इसे पेन बहुत है। और अडॉप्ट होने से ठीक पहले उसके पुराने ओनर्स की एंट्री। अब अडॉप्शन में दो एक दिन ही बचे थे, पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि मुंह उनकी पेट थी। इसके कान आपने कटवाए? कान तो हमने कटवाए। क्यों? अब कान काटना ना सिर्फ बेकार, क्रूर और दर्दनाक है, बल्कि गैर कानूनी भी। तो हम मुंह को उनको वापस तो नहीं सौंप सकते थे। तो जब मुंह ठीक होके अपने नए घर में जाने वाली थी, हमें उसके पैर में एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखी। पर धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार दिखने लगा था, इसलिए खुशी खुशी सोनम जी उसे अपने घर ले गई। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। एक छोटी सी दिक्कत अब टेम्परेरी पैरालिसिस में तब्दील हो गई थी। ऐसी हालत में मुंह को काफी देखभाल की जरूरत थी, पर 5 पेट्स और एक बच्चे के साथ ये सब करना सोनम जी के लिए मुमकिन नहीं था। वो मुंह को हमारे क्लिनिक ले आई। उस हाल में देखकर हमारा पहला अजम्पशन तो यही था कि शायद उसकी यह हालत उसकी पुरानी चोट के कारण हुई है। और जांच के बाद कभी टिक फीवर सामने आता तो कभी किसी नस का दबना, और कुछ ठोस पता न लगने के कारण हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब अगर ऐसा किसी इंसान के साथ हो तो कुछ तो अपने किसी करीबी से दुख बांट लेते हैं और कुछ इसे अपनी नियति समझकर बैठ जाते हैं, पर जानवरों के पास इतनी छूट कहाँ है। वो ना तो अपना दुख बयां कर सकते हैं और ना रोध होके एक कोने में बैठ सकते हैं। वो कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ एक कोशिश। ऐसा ही कुछ मुंह ने भी किया। वो धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटने लगी, पर ऐसा करने से उसके पांव में और चोट आ सकती थी, उसकी हिम्मत भी टूट सकती थी। पर रोशनी की तरफ उसे अपना पहला कदम लेते देख हमें भी लगा जैसे हम कुछ कर सकते हैं। उसका साथ देने के लिए एक व्हील चेयर लाई गई, जिसके सहारे चलने में कुछ दिन तो वो हिचकिचाई, मगर फिर ऐसा कुछ हुआ। अब चाहे वो रेंगना हो या अपनी नई काट पर फार्म की सैर करना, मुंह ने यह साबित कर दिया है कि वो रुकने वालों में से नहीं है। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे कितने भी ट्विस्ट आए, वो आगे बढ़ती रहेगी।